नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल टेक सूरज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo V29 Pro 5G फ़ोन में। सिस्टम को अपडेट कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी Vivo V29 Pro 5G फ़ोन का यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड और यूजफुल होने वाली है। गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको सेटिंग के द्वारा बताएंगे कि Vivo V29 Pro 5G फ़ोन में फ़ोन के सिस्टम को अपडेट कैसे करें। तो गाइज, उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना होगा। गाइज, आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना, उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको देखिए, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का ऑप्शन। गाइज, आप सिस्टम अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो न्यू वर्जन फाउंड, जो कि 4.27 GB का है। आप यहाँ से अपने फ़ोन में यहाँ से कंटिन्यू डाउनलोड पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन में सिस्टम को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिस्टम में नोट्स में कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। गाइज, फ़ोन में यहाँ पे आपको कुछ भी जो नोट्स में आपको लिखा रहेगा, सेम प्रोसेस वही आपकी सेटिंग में बदलाव होगा। आपके फ़ोन में अपडेट करने के बाद जो यहाँ पे आपके नोट्स में दिया रहेगा, सेम वही प्रोसेस आपका अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ से आपको अपने फ़ोन में डाटा को ऑन करना, उसके बाद आप यहाँ से अपने फ़ोन के नेट को ऑन करके यहाँ से आप कंटिन्यू डाउनलोड पर क्लिक करना, जो कि आप जैसे ही आप यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपको जो सिस्टम अपडेट होने लगेगा। उसके बाद आपको सिस्टम जब पूरा अपडेट हो जाएगा तो आप वहाँ से रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना। कुछ देर बाद आपका फ़ोन ओपन होगा और आपका जो है सिस्टम जो है पूरा पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर आप भी Vivo V29 Pro 5G फ़ोन में सिस्टम अपडेट करना चाहते हो तो आप इस प्रकार कर सकते हो। आई होप गाइज, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी दिन, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।